बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूडी मुडीना। तो आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन चीज़ बॉल्स की रेसिपी। ये रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी और इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहें। और ये बच्चों की फेवरेट रेसिपी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी, चिकन चीज़ बॉल। देखें, देखने में ही इतनी अच्छी लग रही है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 5-6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको बारीक काट लेंगे। और फिर मैंने 4-5 क्लोव्स लहसुन के लिए थे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। अब इन सब को फाइनली चॉप कर लेंगे। इसमें अब आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है और 1 ब्रेड पीस डालकर ये भी चॉप कर लूँगी। ये सारी चीज़ें चॉप हो चुकी हैं। अब इनमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च शामिल की है इसमें, और 1 टीस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल किया है। ये मस्टर्ड पेस्ट से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें वोस्टरशायर सॉस शामिल किया है। अब इसको इस तरह टिक्की की शेप में बनाकर इसमें ये चीज़ के छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं मैंने, तो इसमें 1 क्यूब रखूँगी और इसको रोल करके तो गुलाई में इसे बॉल की तरह बना लूँगी। इसको राउंड करके बॉल की शेप में बना लेंगे और इसको मैदे में कोट करके रखते जाएंगे ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। अब सबसे पहले इसे फ्राई करने से पहले इसे मैदे में कोट करेंगे, फिर उसके बाद अंडे में कोट करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स लगा देंगे और इसको डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले से ही गरम करना रख लिया था, अब मैं इसको ऑयल में डीप फ्राई कर लूंगी। इसको ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, इसको दरमियानी आंच पर कुक करेंगे ताकि ये अंदर से कच्चा ना रह जाए। जब एक साइड लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसे चेंज करके दूसरी साइड कर दें। तो हमारे मज़ेदार से चिकन चीज़ बॉल्स तैयार हैं। तो आपकी रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो अल्लाह ताला आप पर भी अपना रहम करे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे लिए खास दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़।